Hello everyone. How are you all? Good. I'm also good. So kids, today I'm going to narrate a story. A story of a farmer. Do you want to listen to the story? Okay, so let's start. Okay. Listen the story very carefully. Arvind was a farmer. Arvind ek farmer tha. It was late evening. He was returning home from the market in his bullock cart. The cart had a very heavy load on it. अरविंद एक बार मार्केट से वापस आ रहा होता है अपनी ब्लैक कार्ट पे मींस बैलगाड़ी पर और उसकी कार्ट पे बहुत सारा हैवी लोड होता है. इट हैड बैग्स ऑफ ग्रेन और वो बैग्स किसकी हैं? ग्रेन के. सडनली इट बिगेन टू रेन हैवीली. एकदम से क्या होता है, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है. द व्हील्स ऑफ द कार got stuck in the soft wet mud. और क्या होता है, उसकी bulk cart की जो wheels हैं वो कहाँ stuck हो जाती हैं? Stuck in the soft wet mud. आप देखते हो जब बारिश होती है तो जो मडी एरिया होता है वहां पे क्या होता है, वेट मड जो है, मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल गीली हो जाती है. तो बिल्कुल ऐसे ही जो अरविंद था उसकी व्हील क्या हो गई, स्टक हो गई. उसकी बुल्क कार्ट की व्हील स्टक हो गई मड में. ठीक है, द कार्ट वुड नॉट मूव और जो कार्ट थी वो अब क्या नहीं कर पा रही है, मूव नहीं कर पा रही है, वो स्टक हो गई है वेट मड में. अरविंद वॉज वेरी अपसेट. अरविंद बहुत दुखी हो गया. ही वॉज स्केयर्ड बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क और वो परेशान इसलिए भी होने लगा क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, रात होने लगी थी. He began to feel, oh dear, what? He began to feel, oh dear, what shall I do? और उसने सोचना स्टार्ट किया कि अब मैं क्या करूं. वो परेशान होने लगा कि अब मैं क्या करूं. Who will help me? फिर वो क्या सोचता है कि अब मेरी मदद कौन करेगा, मैं यहाँ पर अकेला हूँ, आई एम अलोन हियर, प्लीज गॉड कम एंड हेल्प मी. फिर उसने भगवान को याद करना स्टार्ट किया, प्लीज गॉड कम एंड हेल्प मी, ओ प्लीज गॉड कम एंड हेल्प मी. ही शाउटेड मेनी टाइम्स फॉर हेल्प बट ही डिड नॉट मेक एन एफर्ट टू पुश द व्हील आउट फ्रॉम द मड. पर उसने एक बार भी ट्राई नहीं किया कि वो व्हील्स को धक्का लगाए, पुश करे और व्हील्स को मड में से बाहर निकालने की कोशिश करे. He shouted many times for help. Okay. After some time, a stranger came up to him. कुछ देर के बाद वहां एक स्ट्रेंजर आया और अरविंद को परेशान होता देख स्ट्रेंजर ने कहा, The stranger said, Why do you cry? तुम क्यों रो रहे हो? God will not help you if you simply cry and do nothing. God तुम्हारी help नहीं करेंगे अगर तुम खुद से कुछ भी efforts नहीं करोगे. God will not help you if you simply cry and do nothing. The farmer said, My friend, I don't know what to do. मेरे दोस्त, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. फार्मर ने कहा, My friend, I don't know what to do. Then stranger said, Come on, let us push the wheels. The farmer agreed. Arvind agree हो गया. और फिर they began to push. स्ट्रेंजर ने अरविंद से कहा कि आओ हम दोनों एफर्ट्स करते हैं और पुश करते हैं व्हील्स को इस मड से बाहर निकालने के लिए. तो जो फार्मर है, अरविंद है, वो रेडी हो जाता है स्ट्रेंजर की बात पे एंड दे बिगिन टू पुश. वो दोनों क्या करते हैं, पुश करना स्टार्ट कर देते हैं. सून द कार्ट व्हील्स केम आउट फ्रॉम द वेट मड और थोड़ी देर के बाद जो व्हील्स है वो केम आउट फ्रॉम द वेट मड.
और जो व्हील्स है वो बाहर आ जाती हैं, किससे? गीली मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से, रेक मड से. अरविंद वॉज वेरी हैप्पी, और अब अरविंद बहुत खुश हो जाता है. ही थैंक द स्ट्रेंजर. वो स्ट्रेंजर को थैंक यू कहता है. जब कोई आपकी हेल्प करते हैं तो आप भी क्या कहते हो? से थैंक यू कहते हो ना, ऑलवेज से थैंक यू. ही सेड आई विल ऑलवेज रिमेम्बर यू योर गुड एडवाइस. और अरविंद कहते हैं कि मैं आपकी गुड एडवाइस को हमेशा याद रखूंगा. सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. सो मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. तो आपको इस स्टोरी से क्या मोरल मिला है? क्या मोरल मिला है आपको इस स्टोरी से? जल्दी बताओ मैम को, जल्दी से बताओ मैम को. यस, कि अपनी हेल्प खुद से करनी चाहिए. जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं करोगे, आपकी हेल्प करने कोई और नहीं आएगा. तो सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. ओके, तो आगे से आपको क्या करनी है? कुछ भी आप वर्क करते हो मैम, आपको वर्क अपलोड करती है आपके लिए, या आपकी स्टडी से रिलेटेड है, आपके एग्जाम आने वाले होते हैं ना एग्जाम्स, तो आपको क्या करना है? जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, मम्मा पेरेंट्स टीचर कितना भी आपको स्टडी करें, बट आप खुद से अपने ग्रेड्स इंक्रीज नहीं कर सकते तब तक जब तक आप खुद से स्टडी नहीं करोगे. नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस स्टोरी. ओके, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ फार्मर? यस, वेरी गुड, गॉट सो मेनी आंसर्स, वेरी गुड. ओके, सो अरविंद वॉज द नेम ऑफ farmer. Very nice. Okay, why was Arvind start shouted? Yes, why was Arvind start shout? Yes, because good his bull cart stuck in the wet mud. Very good. Aur ma'am ko ye batao ki Arvind ne kya magical word bola tha stranger se? Thank you, very good. So आपकी जब भी कोई हेल्प करता है तो आपको क्या कहना है उसको? थैंक यू, ऑलवेज से थैंक यू. सो आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी. ओके, कीप स्माइलिंग. बाय एवरीवन, बाय.